बाड़मेर शहर के महावीर उद्यान में इन दिनों चहल पहल बढ़ गई है। सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग महावीर पार्क पहुंच रहे हैं। दरअसल महावीर पार्क में बदहाली के बाद करवाए गए रखरखाव कार्य के बाद अब अच्छी संख्या में लोग पार्क पहुंच रहे हैं। पार्क में टॉय ट्रेन संचालित हो रही है तो नगर परिषद के कई नए स्टेच्यू लगाए हैं जो बच्चों के साथ बड़ों को भी आकर्षित कर रहे हैं। बाड़मेर शहर के महावीर उद्यान में इन दिनों चहल पहल बढ़ गई है। सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग महावीर पार्क पहुंच रहे हैं। दरअसल महावीर पार्क में बदहाली के बाद करवाए गए रखरखाव के बाद अब अच्छी संख्या में लोग पार्क पहुंच रहे हैं। पार्क में टॉय ट्रेन संचालित हो रही है तो नगर परिषद ने कई नए स्टेच्यू लगाए हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी आकर्षित कर रहे हैं। गौरतलब है कि करीब 8 माह पहले महावीर पार्क बदहाली के दौर से गुजर रहा था। घास सूखने लगी थी और झूले टूट गए थे। इसके अलावा रखरखाव की कमी के चलते नाम मात्र ही लोग महावीर पार्क पहुंच रहे थे। इसके बाद नगर परिषद ने महावीर पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया। यहां नए झूले लगाए गए तो टॉय ट्रेन को भी शुरू किया गया। साथ ही साथ रखरखाव कार्य के साथ महावीर पार्क को आकर्षित रूप दिया गया। अब नगर परिषद की ओर से महावीर पार्क में विभिन्न स्टेच्यू लगाए गए हैं जो नन्हे मुन्नों की आकर्षित कर रहे हैं। नगर परिषद द्वारा हाल ही में शेर, भालू, जिराफ समेत अन्य जानवरों के स्टेच्यू लगाए गए हैं। महावीर पार्क में आने वाले लोगों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा पार्क में करवाए गए विकास कार्यों के बाद अब उनकी शाम पार्क में ही बीतती हैं। यहां सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आती हैं। जीर्णोद्धार के बाद महावीर पार्क थार नगरी के बासिंदों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। नगर परिषद द्वारा महावीर पार्क की आकर्षक रूप दिया जा रहा है। यहां ओपन जिम युवाओं को आकर्षित कर रही है तो टॉय ट्रेन बच्चों को, सेल्फी पॉइंट और आधुनिक झूलों के बाद अब लगाए गए विभिन्न जानवरों को स्टेच्यू भी खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।